बात बोलूंगा, अगर आप सोचते हैं कि आपके काम दरबार में जाके नहीं बन रहे हैं, तो अपने अंदर से पहले हीन भावना, दूसरों के प्रति हीन भावना, दूसरों के प्रति ज्वलनशील भावना कि इसकी इतनी तरक्की हो रही है, मेरे पास नहीं हो रहा है, ये इतना कमा रहा है, ये इतना कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब तक आपके दिमाग के अंदर घिरी रहेंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, माथा रगड़ लीजिए, पटक लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, श्याम बाबा की कृपा नहीं आती है, श्याम बाबा हमारी बात नहीं सुनते हैं, श्याम बाबा के दर्शन करके आए हमारा काम नहीं बन रहा, हम श्याम बाबा को अब हमने मानना छोड़ दिया है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी बातें मेरे पास आती रहती हैं। कोई व्हाट्सएप के माध्यम से लिखता है तो कोई किसी के माध्यम से लिखता है। बहुत सारी लोगों के पास परेशानियां हैं जो बाबा के दरबार जाते हैं, अपनी प्रार्थनाएं लेके जाते हैं, परंतु उनकी प्रार्थनाएं किसी कारणवश से पूर्ण नहीं हो पाती हैं, जिनके कारण से वो लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे श्याम प्रेमियों को आज मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा किस कारण से होता है और क्यों नहीं उनकी प्रार्थना बाबा सुनते हैं और क्यों नहीं सुन पाते हैं वो। तो मैं आपको बताऊं, आप जहां भी रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में रह के आप अपने नजदीक के मंदिर में, घर से आपका नजदीक में कोई मंदिर है, वहां आप कितनी बार जाते हैं दर्शन करने के लिए? आप आपके घर के बिल्कुल पास में मंदिर है, आपके परिवार में कोई एक सदस्य चला जाता है, मान लीजिए आपकी माता चली जाती है, परंतु आप कितनी बार उस मंदिर के अंदर गए? नहीं गए, या गए भी होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। नजदीक में जब आपके मंदिर है, वहां माता की मूर्ति है, महादेव की मूर्ति है, शिव भगवान की मूर्ति है, आप वहां दर्शन करने के लिए नहीं गए, अब आपको आ गई परेशानी, अब आपकी आ गई समस्या, तब आप भगवान के दरबार में आपने कहीं से सुना कि श्याम बाबा विराजते हैं, वो हारे के सहारे हैं, आप सुन के उनके दरबार चले गए, और दरबार जाने के बाद ही आप ये आस रखने लग गए, क्योंकि श्याम बाबा की महिमा ऐसी है, जो उनसे नजरे से नजरे मिलाता है वो उनका दीवाना हो जाता है, और दीवाना होने के बाद बहुत सारी उम्मीदें और आस ला के बैठता है कि बाबा श्याम अब सब सही कर देंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, श्याम बाबा जिसको पसंद करते हैं उसको अपना दीवाना वो बना ही देते हैं, और वो हर वक्त श्याम बाबा की ही बात करता रहता है, हर घड़ी श्याम बाबा की बात करता रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। परंतु एक दिन जब ऐसा आता है जब वो कुछ ज़्यादा तकलीफों से घिर जाता है, बहुत ज़्यादा दुखों से घिर जाता है, फिर वो सोचता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, यहाँ कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, और वो अचानक से घबरा जाता है और सब कुछ पूजा पाठ करना, जो उसने कितने दिन से उसने बाबा की कृपा अर्जित की थी, वो सब एक पल में सब समाप्त कर देता है, श्याम बाबा की मूर्ति उठाकर कहीं और रख देता है। तो ये एक प्रत्यक्ष घटना है जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। ये एक श्याम प्रेमी जो श्याम बाबा का भक्त था, श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी गाड़ी से हर साल, हर महीने, साल में दो तीन बार तो खाटू धाम होके ही आता था, बाबा के दरबार दर्शन करने के बाद के लिए दर्शन करने के लिए वो चला ही जाता था। परंतु उसके परिवार में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी बातें आ गई जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसको कई लोगों ने बोला कि आप इस जगह चले जाओ, आप इस जगह दर्शन कराओ, आप वहाँ चले जाओ तो आपके बच्चे सही हो जाएंगे, आप इधर चले जाओ तो आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सोचिए, जो जिस इंसान के ऊपर परेशानी आ जाती है अचानक से, तो उसको कई सारे लोग राय देने लग जाते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अब अकेला दिमाग, वो क्या सोचे, वो कहाँ जाए, क्या करे, उसको किसी की बात समझ में नहीं आती कि क्या करना चाहिए। थक हार के लास्ट में वो अपना मन एक जगह लगाता है और फिर डिसाइड करता है कि 100 लोग अगर बोल रहे हैं कि बाबा के दरबार जाओ और 10 लोग बोल रहे हैं कि इस जगह जाओ, तो वो 100 लोगों की बातें सुनता है और थक हार के बाबा के दरबार चला जाता है। बाबा से अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है, उसके बाद वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी तकलीफें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, वो किसी भी कारण से बढ़ती हैं। हालांकि वो दरबार होके आया, सब कुछ होके आया, अल्टीमेटली लास्ट में वो यही बोलेगा कि मैं बाबा के दरबार गया हूँ, वहाँ से मेरी तकलीफें और बढ़ गई।
ऐसे मेरे पास सिर्फ इस श्याम प्रेमी की बात नहीं है, ऐसे कई श्याम प्रेमी की मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि श्याम बाबा की हमने अर्जी लगाई हुई, इतना टाइम हो गया अभी तक अर्जी पूरी नहीं हुई। तो देखिए, मैं इसीलिए आपको ये प्रत्यक्ष घटना सुना रहा हूँ। हुआ क्या, जब इतना सब कुछ होने के बाद, जो श्याम प्रेमी की अभी मैं कहानी सुना रहा था, ये सब घटना होने के बाद उस श्याम प्रेमी ने क्या किया, बाबा की तस्वीर उठाई, जो घर में लगी हुई तस्वीर थी बाबा की, उसका पूरा विश्वास हट गया, क्योंकि उसके फैमिलीज में इतनी प्रॉब्लम रहने लग गई, इतनी सब कुछ टेंशन बढ़ गई कि वो अब किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। उसने पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया, ना पूजा पाठ करता था, ना दीपक जलाता था, ना भगवान को अगरबत्ती दिखाता था, परेशान रहने लग गया। और परेशान रह के उसने क्या किया, बाबा की तस्वीर ली और तस्वीर को कपड़े में बांध के एक जगह अलमारी के ऊपर ऐसी जगह रख दी जहाँ पे मकड़ी की जाला वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह पड़ती रहे और वहाँ पे पड़ी रहती। अब इतना कुछ होने के बाद ये यहाँ तक कहानी हो गई। अब आगे क्या है, उसके बाद क्या हुआ, जब उसने तस्वीर रख दी, उसके बाद उसने सोचा ये सब कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता, भगवान पे लोग बोलते हैं ये होता वो होता, सब अंधविश्वास है, ऐसा करके वो सोचने लगा और अपना काम करने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चे की तबीयत खराब रहती थी, अब अचानक से उसकी वाइफ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। जो वाइफ सही रहती थी, जो बच्चों को देखभाल करती थी, अब वो वाइफ की तबीयत खराब होने लग गई। अब वो ड्यूटी जाए, ऑफिस जाए, या अपने घर में बच्चों को देखे या अपनी वाइफ को देखे, अब बताइए अब वो क्या करे। अब उसका दिमाग फिर से थोड़ा सा खराब रहने लग गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब वो और चिंता में पड़ गया, उसके वाइफ की पूरी बॉडी कांपने लग जाती थी अचानक से। अब वो ना कहीं आ सकता था, ना उसकी वाइफ के साथ ना कहीं जा सकता था, उसको मजबूरी में अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और उसके सारे पैसे धीरे धीरे कटने लगे, सर पे कर्जा बढ़ने लगा, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगी। अब उस श्याम प्रेमी ने, देखिए उस श्याम प्रेमी ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो हालांकि वो श्याम प्रेमी मुझे जानता था, उसने मुझे ये सारी बातें बताई, ऐसे ऐसी बात है, मैं उनके घर गया, उनके घर में जाके बैठा, उनके घर में देखा मैंने, जो तस्वीर उन्होंने मेरे साथ जाके लगाई थी अपनी दीवार पे, वो तस्वीर उन्होंने उठा दी, रख दी। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस दीवार पे वो तस्वीर लगाई हुई थी बड़ी वाली श्याम बाबा की, तस्वीर नहीं दिख रही। तो उन्होंने बोला वो तस्वीर टूट गई। मैंने कहा कैसे टूट गई, तो गिर गई। तो देखिए, मैंने कहा तो गिर गई तो आप दूसरी तस्वीर लगा देते। बोलता नहीं, अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, अब सारा कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अब सब कुछ छोड़ दिया है, बस ये बच्चे बीमार रहते हैं, वाइफ बीमार रहने लगे। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात, उठा के तस्वीर को आपने रख दी, दोबारा लगाई भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे एक दिन रुका, दो दिन रुका और मैंने उनसे पूछा आपने वो तस्वीर कहाँ पे रखी। तो उन्होंने वो तस्वीर को अलमारी के ऊपर रख दी थी, लोहे की एक अलमारी थी उसके ऊपर उन्होंने वो तस्वीर को रख दी। अब मैंने जब ऊपर चढ़ के देखा तो उस तस्वीर के ऊपर कितना धूल मिट्टी, कितना डस्ट, कितने, मतलब कहते हैं तस्वीर की जो अनादर होनी थी वो पूरी तरह से अनादर तो हो ही रही थी। वहाँ पर मेरा देख के थोड़ा सा ये हालत श्याम बाबा की देख के मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कुछ। मैंने कहा कि जब आदमी का खुद का काम होता है तो बाबा को सिर आंखों पे बिठा लेता है, और जब बाबा थोड़ा सा काम रोक देते हैं तो वो बाबा को उठा के दूसरी जगह रख लेता है। तो अगर आप मतलबी हैं, अगर आप सेल्फिश हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात सुनिए, अगर आप मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते हैं, तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला है। आप कितनी बार भी श्याम बाबा के दरबार में जाके अपना माथा रगड़ो, माथा टेको, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ। आपको ये बता दूं, आपकी दुख और तकलीफ जैसी की तैसी ही बनी रहेगी, कुछ कम नहीं होगा। श्याम प्रेमी होने का मतलब ये नहीं है कि श्याम बाबा ने आप तुरंत गए और तुरंत आपके काम बनने चालू हो गए, ऐसे काम नहीं बनते भाई साहब। काम बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, साल क्या, एक साल, चार साल, दस साल, पंद्रह साल, इन सालों के अंदर जो पास होता है ना बाबा की परीक्षा में, वही बाबा की नज़र में खरा उतरता है।
तो चलिए मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। मैंने तस्वीर देखी, फिर मैंने क्या किया, उस तस्वीर को उतारा, उसको मैंने साफ किया, कपड़े से साफ किया, पुष्प लिया, पुष्प से तस्वीर को पोछा मैंने, पोछ के और उसकी जो उचित जगह थी मैंने खोल के, हालांकि वो जो उन्होंने शीशा का बोला था, उस शीशा का जो था उनके पास एक दूसरी तस्वीर थी, वो तस्वीर जिस पे मेरा सर्वेश्वर, मेरा शाम का जो कीर्तन वगैरह में दिया जाता है मंडली की तरफ से, वो तस्वीर थी, वो एक अलग थी, वो अलग से रखी हुई थी। और जो बड़ी तस्वीर थी वो फाइबर की थी, तो वो और उसमें पतला सा कांच लगा हुआ था। वो जो तस्वीर थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो उन्होंने गुस्से में उठा के ऐसे ही रख दिया था अलमारी के ऊपर। फिर मैंने उस तस्वीर को उठाया, उतारा वहाँ से, उतार के साफ किया और मैंने फिर उसको उचित जगह पे, उचित स्थान पे लगा दिया। तो उन्होंने हालांकि इससे पहले एक पंडित से कंसल्ट किया था, उन्होंने पंडित जो पंडित लोग होते हैं ना उनसे कंसल्ट किया था। अब आप, मैं किसी पे कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, किसी को भी बुरा लग सकता है, हालांकि मेरी वीडियो पंडित भी देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं मेरी वीडियो को और सब अपनी अपनी ओपिनियन देते रहते हैं कि आप ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हमारा काम था, आप फ्री में क्यों ज्ञान बांट रहे हैं, क्यों ज्ञान दे रहे हैं। तो देखिए, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। तो पंडित के पास गए, पंडित ने उनको इतनी सारी बातें बता दी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये ग्रह चल रहा है, ये दोष चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, इतनी सारी उनको बात बता दी, जिनके कारण अब वो कंफ्यूज हो गए कि वो नौकरी करें या ये सारे काम करें। तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि पंडित सही नहीं बोलते हैं, पंडित सही भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं कि एक डॉक्टर जैसे मरीज को इतनी सारी तकलीफ एक है और दवा 15 तरह की दवा लिख दी पर्ची में, तो परेशान हो जाएगा ना, वो देख के डर जाएगा, सोचिए इस तरह की प्रॉब्लम है। मैंने तो उन्होंने मुझे ये बातें बताई कि मैं ऐसा सा उस पंडित के पास गया था, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिस्ट दिखा दी, उन्होंने मेरे पास लिस्ट, मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा कि इस लिस्ट में से तो इतना कुछ आपने कुछ किया ही नहीं किया, रतन राशि पहननी, अंगूठी पहननी, ये पहनना, वो पहनना, ऐसा पहनना, वैसा पहनना, तो देखिए ये सब कुछ नहीं है। मैंने वो तस्वीर उतारी, वो तस्वीर को साफ किया और दीवार पे बाबा की लगा दी। 2 दिन बीते नहीं थे, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जो कंपन हाथ में हो रही थी, एक हफ्ते से 2 हफ्ते से ऐसे से काम होता था, सुबह शाम किसी भी टाइम कंपन होने लग जाती थी हाथों में, उनकी वाइफ की परेशान रहता था, डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान हो गया था, डॉक्टर पता नहीं लगा रहे थे ये कंपन क्यों हो रही है हाथ में, डॉक्टर बोल रहा था नर्व की प्रॉब्लम है, नर्व की प्रॉब्लम है, इतनी मालिश, इतने वो पैरों में मालिश, सब चीज में मालिश, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जैसे मैंने श्याम बाबा की वो तस्वीर लगाई, 2 दिन, सिर्फ मैं आपको बोलूँगा, 2 दिन के बाद ये सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद से, कुछ भी नहीं हुआ। ये सच्ची घटना है, जो एक श्याम प्रेमी के जो था, पहले श्याम प्रेमी था, फिर वो नास्तिक हो गया, उसके बाद वापस से उसमें श्याम बाबा ने आस्था जगाई। मैं उनके घर गया, मुझे एक चरिया बना के उनके घर में भेजा गया, बाबा ने मुझे अपना एक चरिया बना के उनके घर में भेजा। और मैं जब उनके घर में गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको अपने हाथ से सजा के, वो लगाना नहीं चाहते थे वो तस्वीर को, फिर भी मैंने साफ करके और उस दीवार पे लगा दिया। मैंने उनको बोल दिया बाबा के दर्शन करो, मंदिर में पूजा करो, दीपक जलाओ, हर रोज बाबा के भजन गाओ जैसे आप पहले गाते थे। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो देखिए, किसी को बोलते हैं आस्था में विश्वास, नास्तिक मत बनिए। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूँ, मैं, मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है इस चैनल के ऊपर, आप खुद जाके एक एक वीडियो को देखिए, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे व्यू हैं, किसी किसी में 400, 500, 300 भी व्यू हैं, परंतु जो 10,000 वाला व्यू है उसमें मुश्किल से 100-150 लोगों ने लाइक किया हुआ उस वीडियो को, क्यों, देखा तो सब ने, तो इतने कम लाइक क्यों, क्योंकि कोई इस टाइम में, मैं आपको बताऊं, दुनिया इतनी मतलबी हो गई है, इतनी सेल्फिश हो गई है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने गलती से एक लाइक कर दिया तो मेरा सारा धन दौलत इनके पास चला जाएगा, ये सोच करते हैं। ऐसा मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि आप भगवान के नाम पे लाइक लाइक
और क्या लिखा था उन्होंने, भगवान के नाम पे लाइक मत मांगा करिए। तो देखिए मैं कभी भी किसी वीडियो में मुश्किल से ही कुछ वीडियो में ऐसा बोला हुआ कि हो सके तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, मैंने ऐसा बोला है। वो कम वीडियो में बोलता, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक कर ही देगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। मैं दोनों बात बोलता हूँ, मुझे बाबा की लाइक की ज़रूरत है, बाबा की कृपा मेरे सर पर बनी रहे, बस मैं बाबा की बातें बोलता हूँ, बाबा के बारे में बताता हूँ। किसी को मेरी बातें बकवास लग जाती है, किसी को मेरी बातें बोलते हैं कि काम की बात करिए, सिर्फ काम की बात बताइए, आप सिर्फ काम की बातें कोई सुनना चाहता है, मैं मतलब काम की बातें बता दूँ और बस ख़त्म। तो देखिए मुझे फॉर्मेलिटी करनी नहीं आती है, मैं फॉर्मेलिटी करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आता हूँ। अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी होती तो मैं भी 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना के या नॉर्मली ऐसे शॉर्ट वीडियो बना के डाल देता, बस हो जाता काम। हालांकि मेरा एक शॉर्ट वीडियो का एक मैंने ऐसा बनाया हुआ है चैनल, श्याम जी का लाडला, सोनू के नाम से है वो। मेरा नाम सोनू ठाकुर है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा नाम सोनू ठाकुर है। तो श्याम जी के लाडला के नाम से भी एक चैनल है, बट देखिए जो बातें ज़्यादातर होती है मैं इसी चैनल पर बताता हूँ, नहीं तो एक SKT गुरुजी नाम बोल के एक चैनल है, उस पर भी मैं ये बातें बताता रहता हूँ। तो ये सच्ची बातें हैं। देखिए अगर बाबा की कृपा चाहते हैं, बाबा की महिमा चाहते हैं, तो सिर्फ मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, अगर आप सोचते हैं कि आपके काम दरबार में जाके नहीं बन रहे, तो अपने अंदर से पहले हीन भावना, दूसरों के प्रति हीन भावना, दूसरों के प्रति ज्वलनशील भावना कि इसकी इतनी तरक्की हो रही है, मेरे पास नहीं हो रहा है, ये इतना कमा रहा है, ये इतना कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब तक आपके दिमाग के अंदर भरी रहेंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, माथा रगड़ लीजिए, पटक लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ हाथ पे हाथ धर के दूसरों की तरक्की ही देखते रहेंगे आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो श्याम बाबा का लाडला हूँ, सच्ची बातें करता हूँ और कड़वी बातें करता हूँ, आपको कड़वी मेरी बातें जरूर लगेंगी, परंतु जो ताने कसने वाले हैं ना, अगर वो ताने कसेंगे ना तो ध्यान रखिएगा श्याम बाबा का ऊपर हाथ है, सब देखते हैं वो कौन ताने कस रहा है, कौन क्या कस रहा है। तो बस अपना प्यार देते रहिए, मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक करिए डिसलाइक करिए, जो करना आप करिए वीडियो को। आपने अगर ये वीडियो को सुना होगा देखा होगा तो बस भगवान से ही प्रार्थना है कि आपके ऊपर बाबा की कृपा रहे, बनी रहे और सभी का परिवार हंसता खेलता रहे। इतनी ही मेरी आज की वीडियो में कहने की बात थी। तो मैंने कोई विशेष आज बात नहीं की है बाबा के बारे में, सिर्फ ये बात बताई आपको कि बाबा को हमेशा विश्वास में रखिए, बाबा सडनली तुरंत चाहेंगे तुरंत हो जाए, तुरंत काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, तुरंत होता भी है, चमत्कार होने के लिए तुरंत भी हो जाता है और लगने के लिए सालों साल भी लग जाते हैं। विश्वास रखेंगे तो बाबा किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद करते रहेंगे। बाबा का कोई रूप नहीं है, बाबा किसी भी रूप में आपके सामने है, पहचानना आपका काम है। जय श्री श्याम, सभी श्याम प्रेमी, जय श्री श्याम।